मॉम्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग एक्टिविटीज फॉर मॉम्स। सो मॉम्स, आज जो एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 4+ बच्चों के लिए है। इस एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। मैंने फर्स्ट रो में 5 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और मैंने टोटल 6 रोज बनाई हैं। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये मैंने कुछ स्लिप्स बना ली हैं जिसमें मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, जितने सर्कल्स मैंने शीट पर बनाए थे, और उन सभी सर्कल्स की एक एक रो में मैंने एक एक कलर कर लिया है। यहाँ मैंने टोटल 6 कलर्स का यूज़ किया है। तो इसी तरह से आपको भी कलर्स करके कुछ पैटर्न तैयार कर लेने हैं। ये मैंने 6 सर्कल्स बनाए हैं और उन्हें मैंने कलर कर लिया है, और ये सर्कल्स मैंने कार्ड से बनाए हैं। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है, हमें एक पैटर्न बच्चे को देना है जिस सर्कल पर जो भी कलर है उसी कलर को के सर्कल को हमें करेक्ट पोजीशन पे रखना है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर ब्राउन है तो लास्ट सर्कल में ब्राउन कलर रखना है, देन सेकेंड रो में फर्स्ट सर्कल में रेड कलर है तो रेड कलर का ही सर्कल हमें रखना है, देन इसी तरह से थर्ड रो में ऑरेंज कलर है फोर्थ पोजीशन पे तो वो ऑरेंज कलर रखना है। इसी तरह से हमें पूरी एक्टिविटी को बच्चे को समझानी है और उसे पूरा कराना है, और एक पैटर्न हो जाए तो उसे नेक्स्ट पैटर्न दे देना है। इस एक्टिविटी की हेल्प से बच्चों की विजुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होती है, और साथ ही बच्चों की थिंकिंग पावर भी इम्प्रूव होती है। बच्चे डिफिकल्ट सिचुएशन में वर्क करना सीखते हैं। उन्हें अपने टास्क कंप्लीट करने दीजिए, और इस एक्टिविटी से बच्चों को मज़ा भी आता है। ये एक फन एक्टिविटी है बच्चों के लिए। आप भी इस एक्टिविटी को अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को इस एक्टिविटी में मज़ा आया या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Please like, share and subscribe for more videos. Thanks for watching this video.